यह खबर सिरसा से। गोपाल कांडा के भाजपा समर्थन को लेकर अभय चौटाला का बड़ा बयान आया सामने। अभय चौटाला ने कहा, अगर ऐसा है तो इनेलो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फैसला लेगी, क्योंकि गोपाल कांडा ने इनेलो बसपा को समर्थन नहीं किया, बल्कि इनेलो बसपा गोपाल कांडा के पास गए थे कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर गोपाल कांडा कहते हैं कि वह जीतकर भाजपा के साथ जाएगा और भाजपा की सरकार बन रही है, तो इनेलो बसपा इसको लेकर सोचेगी और अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करेगी, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। पवन के आने के बाद चुनाव का माहौल एकतरफा हो गया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां जो है आज इन हालात में हैं कि दोनों में से कोई भी सत्ता में अपने बलबूते पर नहीं आ सकता, दोनों बहुमत से दूर है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब सत्ता की तरफ बढ़ रही है, आज विड्राल हुए हैं। इस विड्राल के बाद कौन कौन इंडिपेंडेंट रहेंगे? जो जीतने वाले इंडिपेंडेंट्स होंगे, अगर वो हमारे से संपर्क करेंगे, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग हट करके चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे अगले एक दो दिन में बातचीत करेंगे और हम अपने गठबंधन को और बड़ा कर देंगे। गठबंधन की ही सरकार बनेगी, कोई दूसरा सत्ता में नहीं आ सकता। सिरसा में आज बीजेपी जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन वापस दे दिया, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे कि अगर गोपाल कांडा को उन्होंने समर्थन किया और गोपाल कांडा ने उनका समर्थन लिया है, तो जरूर हम इस बात के ऊपर बैठ कर के विचार करेंगे हमें क्या करना है आगे। इस पे मैं अपने साथियों से विचार विमर्श करूँगा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दे दिया है, वो दे दिया होगा, उसने लिया नहीं लिया इस बात पे देखना होगा। गोपाल कांडा ने यूं तो कोई भी कह देगा कि हमने उसको समर्थन दे दिया, हमने उसको समर्थन दे दिया। हो सकता है कल को कोई कांग्रेस वाला किसी एक आधे बीजेपी के पदाधिकारी के जेब में 10 रुपये डालकर